चाय तो हम रोज ही बनाते हैं, मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी चाय रोज रोज एक सी नहीं बनती है, अच्छी नहीं बनती है। कभी अच्छी बन जाती है तो कभी खराब हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ चाय की। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और आप रोज रोज एक सी बढ़िया चाय बना पाएंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप डेली एक सी चाय बना पाएंगे और एकदम परफेक्ट चाय बना पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। तो मैं बनाने जा रही हूँ 4 कप चाय। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है। पानी को हम उबाल लेंगे। सबसे जरूरी बात, हम पानी में मसालों को या चाय की पत्ती को तब डालेंगे जब पानी में एक अच्छा सा उबाल आ रहा हो। कभी भी ठंडे पानी में मसाले, यानी जो हम अदरक वगैरह डालते हैं या चाय की पत्ती, किसी भी चीज को हम ठंडे पानी में नहीं डालेंगे। जब उसमें एक अच्छा सा बॉयल आ रहा होगा हम तभी सारी चीजों को डालेंगे। तो पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ली है 1 इंच की अदरक का टुकड़ा और मैंने ली है 2 इलायची और 2 मैंने ली है काली मिर्च। इसमें आप लौंग भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका टेस्ट है। हमारे यहाँ चाय में लौंग पसंद नहीं की जाती है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की है। सारी चीजों को हम कूट लेंगे। तो देखिए, मैंने इनको कूट लिया है। अदरक को देखिए, मैंने बहुत ही मोटा मोटा कूटा है। अदरक जब आप चाय में डालें तो उसको ग्रेट करके ना डालें, ना ही उसको बिल्कुल साबुत डालें। हल्का सा कूट लें बस, इससे ज्यादा ना कूटें। इससे ये होगा कि अदरक का फ्लेवर तो चाय में आएगा मगर अदरक का कड़वापन चाय में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप जब बनाएं तो इस चीज को याद रखें कि अदरक को पूरी तरह से ग्रेट ना करें। तो हम उबलते हुए पानी में मसाले डालेंगे, ठंडे पानी में मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इनको हम अच्छे से उबाल लेंगे। इसमें अब हम शक्कर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच शक्कर के लिए हैं। जब एक उबाल आएगा पानी में तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती मैंने हमेशा से ही कहा है कि आप अच्छे ब्रांड की लें। चाय की पत्ती भी हमें उबलते हुए पानी में डालनी है, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालनी है। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चाय हाई फ्लेम पे बनानी है और तमाम चीजों को उबलते हुए पानी में डालना है। तो मैंने 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है। अब हम चाय की पत्ती को 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। एक मिनट हो गया है चाय को उबलते हुए। इसमें अब हम डाल देंगे दूध। दूध भी आपको ठंडा नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान रखें। दूध अगर फ्रिज में रखा हुआ है तब आप उसको पहले से ही निकाल लीजिए। दूध ठंडा बिल्कुल भी ना लीजिएगा और दूध तभी ऐड कीजिएगा जब चाय में उबाल आ रहा हो। तो उबाल का आना चाय के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाय में जो फ्लेवर आता है वो तभी आता है। तो आप एक बार जरूर इस तरह से चाय बना के देखिएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। दूध डालकर हम इसे पकाएंगे, 2 मिनट तक पका लेंगे और इस तरह से चम्मच से चलाते हुए पकाइए। खूब अच्छे से उछाल उछाल कर पकाइए। इससे चाय में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, झाग बनता है जिससे चाय हमारी थिक बनती है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, उबला दूध ले सकते हैं, अगर कच्चा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, वरना आप उबले दूध से भी बना सकते हैं। तो बस चाय हमारी बन गई है, इसे हम निकाल लेंगे। तो अब आप इस तरह से चाय बनाइए। अगर आपकी चाय रोज रोज अच्छी नहीं बनती है और आपको प्रॉब्लम रहती है कि हमारी चाय डेली ही चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, कभी अच्छी कभी खराब बन जाती है, तो आप इस तरह से चाय बना के देखिए। हमारे सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए जो जो मैंने बताए हैं। आपकी चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी और बहुत ही परफेक्ट बनेगी चाय आपकी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने चाय की वीडियो डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सभी चाय बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाय बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल फूड इन किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।